गुड इवनिंग, मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग स्टैटिक जीके का नया सीरीज देखेंगे। इसमें आपको स्टैटिक जीके के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावे आपको इस चैनल पे स्टैटिक जीके का 11 वीडियो मिलेगा। आप सभी पीछे वाला सभी वीडियो को देखें, क्योंकि आपको बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आपको स्टैटिक जीके सीरीज मिलेगा। आपको सीरीज से यहाँ पे क्लास चल रहा है, इसलिए आप सभी अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखें, उसके बाद इसको भी देखें और देखने के साथ अपने तैयारी को बेहतर करते रहें। आपको इस मंच पे डेली करेंट अफेयर सीरीज मिलेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको बेसिक जानकारियां दिया जाता है, आप बेसिक चीजें को सीखेंगे, इसलिए आप सभी इस पे स्टैटिक जीके या फिर डेली करेंट अफेयर सीरीज अवश्य देखें और अपने तैयारी को बेहतर करें। ये मंच आपको मजबूत करने के लिए आया है। आपको परीक्षा में मजबूत रहेंगे तभी आप जो है अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको मजबूत होने के लिए ऐसे प्रश्न को लाया जाता है ताकि आप मजबूत बने, आप स्ट्रांग बने और परीक्षा में जबरदस्त प्रदर्शन करें, आप जो है वो अपने रिजल्ट को सुनिश्चित करें। और इसी के साथ आइए, आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो भी नया चैप्टर है स्टैटिक जीके सीरीज में, उसे हम लोग देखते हैं। लेकिन प्लीज आप सभी पीछे वाला वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि वो आपके परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ आप सभी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। शेयर करते रहें और क्लास का मजा लेते रहें। और आइए आज के जो भी टॉपिक है उसको हम देखते हैं इंटरेस्ट के साथ। तो आइए, क्या कह रहा है? तो आज के चैप्टर का नाम है कि भौगोलिक उपनाम एवं वास्तविक नाम, यानी कि भौगोलिक उपनाम एवं वास्तविक नाम। इससे परीक्षा में आपको एक दो प्रश्न आता ही आता है, इसलिए आप सभी इसको देखें और अपने तैयारी को बेहतर करें ताकि आप अपना परीक्षा में बेस्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ जो है वो आपका जो भी पीछे वीडियो गया है वो सभी काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप उसे छोड़े नहीं, उसको अवश्य देखें। आइए, क्या कह रहा है इसमें कि कुछ भौगोलिक उपनाम है, उसका कुछ वास्तविक नाम है। तो क्या क्या है इसको देखते हैं। कह रहा है कि बंगाल का शोक, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ये सब उपनाम है, उपनाम ध्यान रखिएगा। ये कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर को बोला जाता है। बिहार का शोक कोसी को बोला जाता है। ओडिशा का शोक किसको बोला जाता है, तो महानदी को बोला जाता है। चीन का शोक वांगहो नदी, ब्लू माउंटेन के नाम से नीलगिरी को जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत जो भारत के सबसे दक्षिण में है, देखिएगा तो कन्याकुमारी के पास, तो नीलगिरी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, इसलिए सब ध्यान रखेंगे। दक्षिण का ब्रिटेन, तो सबसे दक्षिण में देखिए तो दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, तो न्यूजीलैंड आपका दक्षिणी महाद्वीप में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है न्यूजीलैंड, उसे दक्षिण का ब्रिटेन बोला जाता है। जबकि हेरिंग पॉन्ड के नाम से किसे जाना जाता है, तो अटलांटिक महासागर को, ध्यान रखिएगा। अटलांटिक महासागर को हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। जबकि पवित्र भूमि के नाम से जेरूसलम को जाना जाता है, पवित्र भूमि जेरूसलम। मोतियों का द्वीप बहरीन है, मोतियों का द्वीप बहरीन है। भूमध्य सागर की चाबी जिब्राल्टर जल संधि को बोला जाता है। ये सब वास्तविक नाम और भौगोलिक उपनाम है, ध्यान रखिएगा, वास्तविक नाम और भौगोलिक उपनाम। क्वेश्चन यही पूछता है कि भूमध्य सागर का चाबी किसे कहा जाता है, तो जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। कंगारू का देश किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है कंगारू का देश, ये भी दक्षिणी महाद्वीप में है। और सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है कि कीवी का देश, कीवी का देश न्यूजीलैंड है। लीली का देश कनाडा है। देखिए कि कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया, कीवी का देश न्यूजीलैंड और लीली का देश कनाडा है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को बोला जाता है। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कोरिया को बोला जाता है।
उगते सूर्य का देश, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो आपका जापान को बोला जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे, और डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन कहलाता है। तो उगते सूर्य का देश जापान, डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन, और मध्य रात्रि सूर्य का देश नॉर्वे, ध्यान रखेंगे। पांच नदियों का भूमि पंजाब को बोला जाता है, जबकि पांच भूमियों का देश फिनलैंड, पांच नदियों का भूमि पंजाब और पांच भूमियों का देश फिनलैंड है, जबकि सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड है, सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड। नेवर नेवर लैंड प्रियरिच, ध्यान रखिएगा, नेवर नेवर लैंड के नाम से प्रियरिच को जाना जाता है, जबकि एंटीलीज की मोती क्यूबा को बोला जाता है, और यूरोप का खेल मैदान स्विट्जरलैंड को बोला जाता है, यूरोप का खेल मैदान स्विट्जरलैंड को बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि क्वेकर सिटी, तो फिलाडेल्फिया, क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया। स्वर्ण मंदिर का शहर, तो ये तो आपको पता होगा कि स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर है, तो अमृतसर स्वर्ण मंदिर का शहर। शानदार दूरियों का शहर, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि शानदार दूरियों का शहर, तो वाशिंगटन डीसी को बोला जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है, तो वाशिंगटन डीसी को शानदार दूरियों का शहर कहा जाता है। महलों का शहर कोलकाता को बोला जाता है, महलों का शहर कोलकाता। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम, यानी कि यूरोप का अखाड़ा किसे कहते हैं, तो बेल्जियम को कहा जाता है यूरोप का अखाड़ा। जबकि काला महाद्वीप, आपको पता ही है कि वहां के सब लोग काले होते हैं, तो अफ्रीका, काला महाद्वीप अफ्रीका को बोला जाता है। श्वेत महाद्वीप या फिर विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप जो है वो अंटार्कटिका है, ध्यान रखेंगे, बहुत वीवीआई प्रश्न है कि विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन है, तो अंटार्कटिका है। पूरे विश्व में सात महाद्वीप है, उसी में अंटार्कटिका आपका विज्ञान के लिए समर्पित है, जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। निषिद्ध शहर लहासा को बोला जाता है, निषिद्ध शहर लहासा को। भारत का बगीचा बंगलोर, भारत का बगीचा बेंगलोर, ध्यान रखेंगे। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो मुंबई को, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। नील का वरदान मिस्र, नील का वरदान मिस्र को बोला जाता है। ग्रेनाइट सिटी एवरदीन स्कॉटलैंड, ग्रेनाइट सिटी एवरदीन स्कॉटलैंड। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड को बोला जाता है, स्वर्णिम मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड को। सात पहाड़ियों का शहर रोम कहलाता है, सात पहाड़ियों का शहर रोम। लौंग का द्वीप जंजीबार, लौंग का द्वीप जंजीबार। एडियाट्रिक की रानी वेनिस, एडियाट्रिक की रानी वेनिस। भारत का वेनिस कोचीन, कहां पे, केरला में। भारत का वेनिस कोचीन, अरब सागर की रानी कोचीन। संसार की छत पामीर की पठार, संसार की छत पामीर की पठार, ध्यान रखेंगे। अगला है कि गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है, जयपुर को गुलाबी शहर के उपनाम से जाना जाता है, गुलाबी शहर। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, तो जयपुर को। यूरोप का मरीज तुर्की, यूरोप का मरीज तुर्की, और एशिया का मरीज चीन, एशिया का मरीज चीन, और यही चीन एशिया का मरीज जो है आज वो पूरे विश्व को मरीज बना के रख दिया, ठीक है ना, तो यही एशिया का मरीज चीन हुआ करता था, और आज ये पूरे विश्व को मरीज बना के रख दिया यही चीन, तो समझिए एशिया का मरीज चीन और यूरोप का मरीज तुर्की। विश्व के रोटी का टोकरी प्रियरिच को ही कहा जाता है, विश्व के रोटी के टोकरी प्रियरिच। पूर्व की मोती सिंगापुर, पूर्व की मोती सिंगापुर, और गार्डन सिटी शिकागो, शिकागो आपका जो है यूएसए में, यहीं पर आपका विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने 1893 में गए थे, और जीरो पर लगातार बोलते रह गए थे, तो इस तरह से शिकागो काफी प्रसिद्ध है आपका भारत के लिए, तो ये यूएसए में है, जिसे गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है शिकागो को। अगला है कि भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को बोला जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड है कश्मीर, समझिए कितना अमूल्य धरोहर है हमारा कश्मीर, भारत का स्विट्जरलैंड के उपनाम से जाना जाता है। अगला है कि डायमंड हार्बर किसे कहते हैं, तो कोलकाता को, डायमंड हार्बर कोलकाता। शाश्वत नगर, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, शाश्वत नगर रोम को बोला जाता है। सात टापुओं का नगर मुंबई को, सात टापुओं का नगर मुंबई। हर्मिट किंगडम
कोरिया, हर्मिट किंगडम कोरिया, हर्मिट किंगडम कोरिया, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को, विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा, विश्व के चीनी का कटोरा क्यूबा, जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद, झीलों का नगर श्रीनगर, झीलों का नगर श्रीनगर, मंदिरों एवं घाटों का नगर मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, यहीं से सांसद है, ध्यान रखिएगा। तो मंदिरों एवं घाटों का शहर वाराणसी और नवाबों का शहर, जैसे आप लोग नवाब हैं तो आपका शहर लखनऊ है, तो नवाबी करना है तो आप जाए लखनऊ, तो नवाबों का शहर लखनऊ, पोप का शहर रोम, पोप का शहर रोम, और रोम ध्यान रखिएगा पोप का शहर, ये पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय कहाँ है, अमेरिका में ना, नहीं आपका भारत में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हजार हाथियों का भूमि, हजार हाथियों की भूमि के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो लाओस को बोला जाता है लाओस। जापान का सॉरी पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका कहाँ है, बिस्टर में अपना ओसाका, ओसाका जापान में है, जिसे आपका पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। अग्निद्वीप आइसलैंड, अग्निद्वीप आइसलैंड ध्यान रखेंगे। पवित्र पर्वत, पवित्र पर्वत फ्यूजियामा, ये कहाँ है, फ्यूजियामा आपका जापान में है, वहां इस लोगों के द्वारा इसे पूजा किया जाता है, ठीक है ना, जैसे हम लोग भी जो है वो कुछ पर्वत को या पत्थर को पूजते हैं, उसी तरह वहां फ्यूजियामा को जो है वो दीपिया जलाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है कि विश्व का कहवा पात्र ब्राजील, विश्व का कहवा पात्र ब्राजील। तेल की नदी नाइजर, ध्यान रखिएगा तेल का नदी नाइजर, कोयले की नदी राइन, कोयले की नदी राइन और तेल की नदी नाइजर, दोनों फंसाता है, दोनों कोई भी प्रश्न देगा और दोनों ऑप्शन देता है, इसलिए बचिएगा इससे। भारत का हॉलीवुड मुंबई, मुंबई भारत का हॉलीवुड ध्यान रखेंगे। इस्पात नगरी जमशेदपुर, जमशेदपुर किस स्टेट में है, झारखंड में है, ध्यान रखिएगा। पर्वतों की रानी मसूरी, पर्वतों की रानी मसूरी ध्यान रखिएगा। और छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट, नेतरहाट छोटा नागपुर की रानी। समुद्र पुत्र मत मारिएगा अरब आपका जो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप ये भारत का एकमात्र कोरल द्वीप या प्रवाल द्वीप है, ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप, और इसे समुद्र पुत्र के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है, तो कवारत्ती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत का पेरिस जयपुर, आपको पेरिस घूमना है तो जयपुर चले जाइए, भारत का पेरिस जयपुर को ही कहा जाता है, और जयपुर किसका राजधानी है, राजस्थान की। अगला है कि भारत का पिट्सवर जमशेदपुर, भारत का पिट्सवर बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि भारत का पिट्सवर किसे कहा जाता है, तो जमशेदपुर। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग सभी राजमार्ग आकर जो है वहीं पर मिलते हैं, तो इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कानपुर। और कानपुर किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में, चमड़ा फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है कानपुर, ध्यान रखिएगा। भारत का दिल, तो भारत का दिल कहाँ है, आपके अंदर, नहीं भारत का दिल दिल्ली के अंदर बसा हुआ है, तो भारत का दिल दिल्ली, ध्यान रखिएगा। केजरीवाल के पास जाइए आपको खुश करेंगे, भारत के दिल जो है वो दिल्ली में ही है, और दिल्ली को खुशहाल किसने किया, तो केजरीवाल ने किया, इसलिए केजरीवाल के पास जाइए आप बिल्कुल खुश होइएगा। डेक्कन की रानी पुणे, डेक्कन की रानी पुणे ध्यान रखिएगा। त्योहारों का नगर, त्योहारों का नगर आपको वाराणसी को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा त्योहारों का नगर वाराणसी। डेक्कन की रानी पुणे, कर्नाटक का रत्न मैसूर को बोला जाता है, कर्नाटक को पहले मैसूर के नाम से जाना जाता है, तो कर्नाटक का रत्न मैसूर। फलों की डालिया हिमाचल प्रदेश, एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत समझिए, ये आपका हिमाचल प्रदेश लिखा हुआ है, ठीक है, तो फलों की डालिया हिमाचल प्रदेश। और भारत का दिल आ गया फिर से ये दिल, तो दिल्ली ध्यान रखिएगा। सांपों का देश ब्राजील, सांपों का देश ब्राजील। और यूरोप का वाराणसी, अब समझिए कि यूरोप का वाराणसी कौन है भाई, तो लीडेन सिटी स्विट्जरलैंड, लीडेन सिटी स्विट्जरलैंड, लीडेन सिटी स्विट्जरलैंड यूरोप का वाराणसी है।
और लास्ट है कि एम्पायर सिटी कौन है, तो न्यूयॉर्क है। तो सिर्फ देखिए ही नहीं, इस क्लास को शेयर भी करते रहें, लाइक सब्सक्राइब भी करें, वो सब भी करना जरूरी है, तभी जो है वो मज़ा आएगा। और मज़ा के साथ पढ़िए और क्लास को मज़ा के साथ जो है वो शेयर सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहें, और इसी के साथ अपने तैयारी को बेहतर करें। और जो भी आपके कॉन्टैक्ट में है सबको जोड़िए इस चैनल पे लाकर, तभी और मज़ा आएगा। इसलिए आप सभी देखें और अपने तैयारी को बेहतर करें, चाहे आपका डेली करेंट अफेयर सीरीज ही क्यों ना हो या फिर स्टैटिक्स जीके सीरीज क्यों ना हो, उसको देखते रहें और अपने बेसिक चीजों को जो है वो जानते रहें और अपने बेस को मजबूत करते रहें। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि मजबूत बनना है तो अपने बेस को मजबूत बनाइए, तो तभी आप मजबूत रह सकते हैं। आप देखते हैं कि एक घर बनता है तो घर बनाने से पहले बेस को कितना मजबूत बनाया जाता है, उसके आधार को, उसके बाद देखिए कि जो है वो कितना ऊपर तक वो मकान बन जाता है। उसी तरह आप अपने बेस को मजबूत कीजिए और ऐसे ही आप जो है वो दिन प्रतिदिन तरक्की करते रहेंगे और आप जो है वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इसलिए आप सभी देखें और बेसिक चीजों को भी सीखते रहें, जो भी पीछे वीडियो गया है वो सब भी देखें और जानकारियां ले, आप सीखने के भी उसे देखें। जब सीखिएगा तभी आपका प्रदर्शन अच्छा होगा। तो आज यहीं तक, कुछ ज्यादा बोल रहे हैं ना, तो जो है आप सभी इसको देखें और क्लास का मजा ले और प्लीज क्लास को शेयर भी करते रहे। आज यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।